शातिर ताकतवर अपराधी का साथ मिला है, तब से शंकर पंडा वर्षों से जुल्म की हुकूमत पर अपना डंका बजाने वाले रफीक पर भारी पड़ रहा है। और शंकर पंडा इस शहर टू मच बलवान अपना बल से पुलिस बल के को तमाशा बना के रख दे ले बा। और हमारे पुलिस बल आज तक ओकर ठिकाने का पता ना लगा। पौलस कान खोल के सुन ला सब लोग, हमरा कोनो कीमत पर बलवान के बल के मिट्टी में मिलावे के बा। पूरा शहर में अलर्ट घोषित कर दा, चप्पा चप्पा पर नजर रखा लोग, जे भी शक के निगाह में आवे ओकरा का उठा ला, कुछ भी करा, लेकिन हमरा के बलवान जिंदा या मुर्दा चाहिए। सर, शंकर पंडा से बार बार पूछला के बाद भी इनकार कर रहा बा कि ये बलवान से ओकर कोनो संबंध नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकीले कि बलवान शंकर पंडा के ही आदमी हा। ओकर आदमी लोग के ऊपर निगाह रखा,
ओकर तलाशी ला, उल्टा करके सालन के मारा, चाहे कुछ भी करा, हमके हर कीमत पर बलवान के पता चाहिए। पावला जी बाबा, बलवान तबीर बलवान बजरंग बली के भरत पुत्र बा, हमरा बलवान के गिरफ्तार करल पुलिस बल तका, सैन्य बल के भी बस के बात ना बा, बलवान हमार ताकत हमार घमंड हमार गुरूर बा, हमरा साम्राज्य के दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ावे में न जाने कितनी बार हमारा बच्चा अपना जान जोखिम में डल लेबा, हमारा बच्चा के गिरफ्तार करे वाला के हम जिंदा दफना दे। बाबा बाबा, ये बलवान कोनो जन्म में हमार कर्जा खैले वाला कता, तबे नू ब्याज के साथ ही जन्म में भर रहल बा। बाबा बजरंगी की जय हो। जय हो बाबा। रफीक के करोड़ों का माल गांधी सेतु होते हुए ओकर अड्डा पे जा रहल बा। खबर पक्की है? जी बाबा। बच्चा कैसा है बच्चा? ए बचुआ, रफीक करोड़ों का माल आज निकली तो जरूर, लेकिन पहुंची हमारा गोदाम में। ना कहले सारे, अरे हमार जूठन चाटे वाला, हमारा जूती में दाल पे वाला, आज शीर खुरमा पिए के ख्वाब देख रहा बा। ना मरबे सारे, बहुत जल्द मरबे, कसम खुदा की तू बहुत जल्द मरबे। भाई क्रोध विनाश के कारण होला, राउर क्रोध ही सबसे बड़ा कमजोरी बा। ए तो तू का कहल जात बड़े रे, हम अपन करोड़न का नुकसान करके यहाँ बैठ के पतुरिया न जाई। भाई शंकर पंडा के ताकत आज के तारीख में बहुत बढ़ गई बा, काहे से ओकरा पास बलवान के बल बा, अगर हमनी के ओकरा से सामने से टकराई तो नुकसान हमनी के होई। तो का करी, मौगा बन के हाथ पर हाथ रख के मातम मनाई? ना भाई ना, मातम ना, खुशियां। मतलब ही कि हमनी के शंकर पंडा से हाथ मिला लेवे के चाहिए। जब दुश्मन के कद बढ़ जाए तो ओकरा से दोस्ती कर लेवे के चाहिए, यही में भलाई बा, काहे से दोस्ती ही एकमात्र अस्त्र बा पंडा के घर में घुस के मारे खातिर। एक बार पंडा के विश्वास जीत ली, ओकरा बाद बलवान के अपन गैंग में शामिल करके शंकर पंडा के पिछवाड़ा में डंडा कैसे घुसेड़ल जाए ई वक्त बताई। अरे साला, इतना छोटा बात हमारा खोपड़ी में उबे ना कैलस। अरे ते तो कमाल के सोच ले रे। अच्छा पता करा कि ई बखत शंकर पंडा बा कहां। भाई साला करोड़ों के माल हजम करके कहीं रंडी नचा रहल होई। रंडी नचा रहल होई। मस्त केला तुनुरे
नासा चढ़ल नासा में बदे हिया कुछ ना बुझाता जवानी जाता कौन रहिया से कहता के हथियार हटा ले काहे से कि हम यहां केहू को मारे या मरे ना आयल बानी तका रंडी का नाच देखे आयल बड़ो सॉरी रंडी थाक गईल बा नाच खत्म हो गईल हे शंकर बाबा रंडी का नाच तोहरा के मुबारक हमार करोड़न का माल लूट के तू यहाँ रंडी नचा रहा बाड़ा सबूत का बा तुहरे पास कि हम तो हार माल लूट ले बाड़ी हे बाबा हे इस शहर में शंकर पंडा के अलावा केहू पुलिस वाला केहू गुंडा माफिया के पछवाड़ा में इतना ताकत नहीं खे जे रफीक की ट्रक की तरफ आंख उठा के भी देख सके अरे हमारा ट्रक की तरफ देखे से पहले पुलिस वाला आनहर हो जाला आनहर रफीक मियां एगो बात बतावा कि तू आखिर हमसे चाहत का बड़ा दोस्ती 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 हाँ पंडा हाँ दोस्ती हम तोरा से दोस्ती का हाथ मिलावे आयल बानी काहे से कि तू हमार बहुत नुकसान कह चुकल बाड़ा रफीक मियां एक बात बड़ा ध्यान से सुनिया शंकर पंडा एक बार दानेदार दुश्मन से दोस्ती कर सकेला नादान दोस्त से ना तोरा खून में दोष बा ते दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा के एक दिन अपना हाथ से हमारा गला के फांस बन जाइबे शंकर पंडा जबान का धनी और ईमान का पक्का बा और तय तय साले जन्मजात दोगला मारे हे पंडा जी ए बचवा शंकर पंडा मुर्दा के देख के बता देना कि साला कौने गम में मरल बा ते तो जिंदा बाड़े जितना जल्दी हो सके निकल जो यहां से निकल जो
न तो बलवान के अगर पता चलल तो साला तोने के मिट्टी नसीब ना होई। ए शंकर पंडा, ए एकर फैसला वक्त आइला पर होई। चला लोग, चला चला, इनके बलवान के भी ताकत निकल जाए। चला दोगला साला। रफीक के माल के पंडा अपना कब्जा में लेके एक बार फिर रफीक के तमाचा मर लेबा। खुफिया विभाग से पता चलल है कि इन दोनों माफियन में आर पार के लड़ाई होए वाला बा। बस बस यह मौका है कि हमनी के इन दोनों माफियन के आदमियन के इनकाउंटर कर दिया जाए। उकरा बाद ये दोनों माफिया अपने आप में ही कमजोर हो जाए। सर यू आर राइट। सर आप विश्वास कीजिए, बहुत जल्द इन पापियों से मैं इस शहर को मुक्ति दिला दूंगा। गुड, वेरी गुड। अरे हाँ, संध्या नाम के एक लड़की के कंप्लेन बा कि बलवान के आदमी लोग ओकर जिंदगी में आजकल दखल दे रहल बा। तनी मामला के गंभीरता से लिहल जाओ। माई बताई ना हमरा बर्थडे के अभी ले शॉपिंग ना भई। अब कब शॉपिंग करे के? ए अंकु हिने आवा। दीदी अंकु तारानू कपड़ा खरीदे के बाद? हाँ दीदी, हमरो कपड़ा खरीदे के बाद। हमार बेटा। हाँ बताई माँ, कब चले के मार्केट? अरे हमरे पास समय कहाँ बा बेटा, जे कुछ बिचाई तू लोग जाके ले लिया। ये शॉपिंग वॉपिंग के चक्कर में हमरा के मत डाला। तू ना एकदम लयका निर्जित करे लगे लू। माई हम भी तो आखिर बानी लयका ही ना। हम देखा। हाँ देखा। प्रणाम भौजी। प्रणाम भौजी। प्रणाम चाची। ओ माय गॉड, फिर आ गई ला तू लोग। अब हमने के का करी, जे बलवान भैया के आदेश होकी वो तो पूरा कर ही करना पड़ी। और अगर हमनी की अनदेखा कहनी तो बलवान भैया हमनी का हड्डी पसली तूर के चूरा बना देंगे। ई हर और जन्मदिन में पहनने वाला कपड़ा बलवान भैया भेजले बड़े, ये पहन के तहरा के जन्मदिन के केक काटे के बा। वो बलवान भैया के साथे हमनी लेवे आई रहुआ के खूबसूरत कार में सम्मान के साथ। बदतमीज, काहे पीछे पड़ल बाड़ा हमरे बेटी के? हाँ और वो कमीना बलवान का चाहला हमरे बेटी से? तू दोनों यहाँ से भाग जा, नहीं तो ठीक ना होई। अरे मैडम रहुआ गुस्सा काहे करत है? अरे गिफ्टवा तो रख ले, वापस ले जा तो बलवान भैया हमने हाथ हवे काट देंगे। अब एजा से निकल जा तू लोग, ना तो हम तू लोगन के पैर काट दे। हम पुलिस में कंप्लेंट कर देले बानी। आर हल हुई पुलिस। ए मैडम पुलिस कुछ ना बिगाड़ पाई बलवान भैया के। बहुजी तैयार रहिया हम लेवे आई। चल इंस्पेक्टर साहब, वो कमीना लोग फिर आए रहे। ये देखा ये गिफ्ट उफ्ट वही लोग रख के गए बा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम उन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। संध्या डोंट वरी, इतना टेंशन काहे लेता रू यार, पुलिस दो तीन दिन में ऊ दोनों के गिरफ्तार कर ली। यार हमरा ई समझ में नहीं खियावत कि आखिर ये बलवान हा कौन जो उन हमार बर्थडे खातिर कपड़ा खरीद ले बा, कभी गिफ्ट भिजवा देला तो कभी मिठाई भिजवा देला, और ता और हमरा के ऑफिस जाए से भी मना करा था। आखिर वो होला कौन हमार जिंदगी में दखल देवे वाला? तोहरा तो खुश होके के चाहिए संध्या, इस शहर के इतना बड़ा डॉन जेकरा से पूरा शहर कांपेला वो तोहरा पर फिदा बा। अरे तू चीजें वही बाड़ू हो संध्या। चुप करा यार, तोरा के मजाक सूच रहल बा। अगर तोरा पे पड़ल हुई आफत तब पता चले। कसम से हम तो खुश हो जाती, पुलिस के भी ना बतेती, एक से एक डिमांड करती। अच्छा बस अब चुप करा, चला केक के ऑर्डर देवे के बा और कुछ कपड़ा भी खरीदे के बा। ओके बॉस। चला हाँ
बहुत मजा आई इतना सारा शॉपिंग करके। एकदम सच्चे कहता हूं, हां बहुत ही मजा आ गया। चला जल्दी चला, देर होता। हां अरे वोला ड्रेस कितना बढ़िया रहे। चली भौजी बलवान भैया के साथ बर्थडे मनाने के बाद चला। छोड़ा चल चल तोर जरूरत नहीं खे। हेलो हेलो आंटी, कहा भेल बेटी, कहा इतना घबराई बाड़ू? संध्या के गुंडा उठा के ले गई। का? जरूर वो कमीना बलवान के आदमी उठा के लेके गई हुई है। भाभी के लेके जा, हम इन लोग के संभाल ना। भाई हम तो अकेले ना छोड़ सकीला। अरे तू बात समझने का कोशिश करा, वहाँ भाभी को पहुंचना जरूरी बा। हम तो अकेले ना छोड़ सकीला। अरे भाई तू जा, बात समझा।
के मौसम जिंदगी में बाटे मोहब्बत के मौसम जिंदगी में बाटे मोहब्बत के मौसम जिंदगी में बाटे जहिया से हाथ हमके आपन धरौलू आशिक दीवाना दिलदार दिल के आशिक दीवाना दिलदार दिल के दिलबर बना के जिया धाड़ कमालू मोहब्बत के मौसम जिंदगी में बाटे मोहब्बत के मौसम आइलू बहार बन के जिंदगी में हमरा किस्मत बना दी हलू बहिया थमा के आइलू बहार बन के जिंदगी में हमरा किस्मत बना दी हलू बहिया थमा के अरमान मन के तू जान जिंदगी अरमान मन के तू सांस बन के उमरिया बढ़वलू मोहब्बत के मौसम जिंदगी में बांटे मोहब्बत के मौसम खिए के पास तोहर रहेला सुरतिया दिल हार गईली तोहसे अखिया मिला के हो दिल हार गईली तोहसे अखिया मिला के सातो जन्म तो साथ हमसे निभैया सातो जन्म तो साथ हमसे निभैया बसंती चमन जिया राके जब तू बनावालू ला 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 मोहब्बत के मौसम जिंदगी में बाटे जहिया से हाथ हमके आपन धरौलू।
धन्यवाद हमारा नाम याद दिलावे खातिर। हम तो वीर के कब के दफना चुकली, अब हम बलवान हैं। बलवान? अच्छा तो तू ही हवा बलवान, हम के हीरा काहे ले आइल बाड़ा? ये बात तू अपने आत्मा से पूछा कि हम तो के यहाँ काहे खाती लाइल बनी। हमरा के एगो ऐसन रास्ता में दौड़ा के भाग गईलू जो ना रास्ता के कोनो मंजिल नहीं के। खैर कोनो बात ना, लेकिन अब हम हर वो रास्ता पर चले खातिर तैयार बनी जौन जाके सिर्फ एक मंजिल पर पहुंचे, हमार जान हमार जिंदगी संध्या तक बस। हमार तो हार कौनो रिश्ता नहीं खे। ये फैसला लेबे वाला तू क्या हो? दिल हमार, दिमाग हमार और फैसला भी हमार। तू अपना दिल और दिमाग से हमारा दिल दिमाग के अपना कैद में करके घात कैले बाड़ू। तू चाहत का बाड़ा? संध्या 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 सिर्फ संध्या। संध्या ई जन्म में तुहार ना हो सकेले। कौनो बात ना, अगले जन्म तक इंतजार करब, लेकिन ई जन्म में तोहरा दिल में बसल तो दूर, दिल देवे के बारे में सोचे वाला के दिल में इतना गोली मारब कि सात जन्म तक दिल लगाओल भूल जाए। भैया केक आ गई। डार्लिंग तू अपना जन्मदिन पर आज हमरा तरफ से एक खूबसूरत केक काटा। तू के हवा हमार जन्मदिन मनावे वाला? तुहार जान हमी केक देख ना काटब। संध्या विश्वास मत करी हा लोग। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो बलवान। ठीक शब्द हमरा खाता में नहीं खे। सर गोली चलाई, हम कहा तानी नू ये हमरा के कुछ ना करी। सर गोली चलाई। चला ना, कौन हाल में हुई हमार बच्ची? वो गुंडा हमार बच्ची के संग कहाँ सलूक कर रहा लोया? चिंता मत करी आंटी, पुलिस पूरा शहर के नाकाबंदी कर लेबा। कौन लाइक के नाबा पुलिस? पुलिस अगर
इलाज लायक हो तो दिन दहाड़े वो गुंडा हमारे बच्चे के नाव उठा के ले जात। गुंडा राज हो गइल बा, गुंडा राज। हमारे बच्चे, तू ठीक बाड़ू ना, तू ठीक बाड़ू ना। अब हम इस शहर में ना रहब, हम इस शहर छोड़ के आज ही कहीं चल जाए। हाँ बेटा, इस शहर छोड़ के हमने कहीं चल जाए, वो कमी ना हमने इस शहर में ना रहे दिन, ना रहे दिन। कहाँ कहाँ भगवू संध्या, हर मोड़ हर चौराहा पर दो चार बलवान मिलिए। चला कमिश्नर साहब से हमने के सवाल करी के बाद। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बलवान का एक खास आदमी हमारे कब्जे में है। और हाँ, एसपी साहब ने आप लोग को बुलाया है, आप लोग हमारे साथ चलिए। चला चला। देख तोर भलाई ये है मैं बा, क्या हमके सच सच बता दे के बलवान कहाँ बा। बादल हमार बात मान, सरकारी गवाह बन जा, सरकार से सिफारिश करा के हम तोर सजा कम करा दे। ए सर, हमरा के लालच मत दी। देख अभी भी वक्त बा, हमके सच सच बता दे, ना ही तो तोर जिंदगी नरक बना दे, नरक। जिंदगी अगर नरक ना रहत ना साहब, तो ये रास्ता पर ना चलती। हमरा के धमकी देवे के कोशिश मत करी, पत्थर के बन चुकल बानी हम। साले सर, ये है वो कमीना जो हमरा घर बार बार आवत रहे और रास्ता में हमरा के कहीं भी रोकेला। सर हमरा के किडनैपिंग ये कई ले रहे, ये कई ले रहे। कमीना, ये हरामी लोग हमनी के जेल हराम कई देलबा, हराम कई देलबा। मैडम प्लीज, ये पुलिस स्टेशन है, हमारी कार्रवाई चल रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई आई रे वालो, इन्हें आई। बैठ जाइए। हाँ। अच्छा एक बात बतावा, आखिर वो ऐसा कौन बात था जकरा वजह से बलवान सिर्फ और सिर्फ तोहरे पीछे पड़ल बा। हमरा का पता सर। अच्छा बलवान से तोहर कोनो पुराना दुश्मनी है का? सर उकरा के तो हम आज तक देखले भी ना रहनी, उकरा से तो हमरा दूर दूर तक कौनो संबंध नहीं खे। औरत बेवफाई का दूसरा रूप होला, ई तो हम सुन ले रहली, लेकिन आज आज साक्षात देख रहल बानी। झूठ काहे बोल रहल बानी संध्या जी? अरे बताई ना एसपी साहब के सच सच बताई। एगो ऐसन भी समय रहे जब वो तोहार दिल के धड़कन रहे। झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ बोला तारा। हाँ झूठ, झूठ, एकदम झूठ। ये झूठा प्यार के चक्कर में फंसा के तू बलवान के जीवन बर्बाद कर रहे बाड़ू। बहुत चिल्ला ले ले, सच सच बताओ कि बात कहा। सर आज रउआ जकरा बलवान के रूप में जानत हैं, वो कभू वीर रहे, एक गांव के सीधा साधा अध्यापक, लेकिन ये खूबसूरती के देवी के चक्कर में पड़ के आज बलवान हो गए। सर बात हरदासगंज के एक महाविद्यालय के बा। वीर प्रताप जी, जी इनसे मिलिए, ये है संध्या जी, कृषि पर रिसर्च करने आई हैं। और संध्या जी ये है वीर प्रताप जी, ये आपकी मदद करेंगे और कृषि अध्यापक भी हैं। नमस्ते। नमस्ते वीर प्रताप जी, आप इनको हॉस्टल तक छोड़ दीजिए। जी चलें। चली जी, हमके जरा दिक्कत हो चलावे में। हाँ ओके।
अब चली। मैडम ओके वेट यस ठीक बा। इलिया अपन बैग। थैंक यू। कल सुबह 9 बजे से बंदा आपके सेवा में हाजिर रहेगा। ओके बाय। वीर जी, जी एक बात बताई। बोली वो औरत लोग का करता रही? वो लोग गाना गा रहा बा। कौना खुशी में फसल के बुआई जब होखेला ना हाँ। तो औरत लोग गाना गावेला। वेरी गुड, हम भी उन लोग साथे गाई। का बात करते नहीं काहे हम गाना ना गा सकीला। अब देखी धरती मैया उड़ले बाड़ी देख लहरिया चुनरी हो। धरती मैया उड़ले बाड़ी देख लहरिया चुनरी हो। भाई हमरा नीखे नहाए के जल्दी नहा के निकली। और सुनी ये शहर ना हा गांव हा गांव तक आ भाई। गांव में लईकी नदी तालाब में ना नहली का? का भगवान ये लईकी आई के एटम बम है कुछ कह।
कहानी हा का? ना जी, हम का कह सकिले। जल्दी निकल ली, आज चले के बरुआ हमरा के यहाँ खाना खाए। इनका कुछ हो भी जाए वो भी ठीक नहीं के, ऐसे बढ़िया बाकी हम माफ करी मैडम जी, छू लेता नहीं ठीक हो के खातिर। हमके बेवकूफ बनौनी ना आप, तक का करी इसी तरह हुआ आई थी ना, तब बस। माई थोड़ी नीमल लगा था। का कहलू हुआ हमरो की बतावा? ना माई मत बताइया। बताई ना का बोल ली हा? ये कहत या भैया के संध्या के जोड़ी नू बहुत नीमल लगा था। माई ये सब का बात करते रहो तू लोग, रह चुपचाप खाना खो। सॉरी संध्या जी, बुरा मत मानिएगा, पागल है कुछ भी बोलती है। जनाब बुरा हमरा ना रउआ लगता। हमरा काहे बुरा लगी? फिर ता बिंदु के काहे डटनी? बेटी तू ही समझावा एकरा के कि बिया कलेस बतावा, बिंदु का बिया हो जाई और चल जाई तो हमारा खाना बना के खियाई। हम बानी नू माजी, हम बना के खियाई। बाप रे बाप, संध्या जी रहुआ हमारा माई बहन के चक्कर में पड़ गई नी ना, तयाजे ही घर में बिया गौना सब हो जाई। तो हो खेदा। बेटा वीर, संध्या के हॉस्टल छोड़ के आ जा, कहे से रात ज्यादा हो गई बा। हाँ माई। संध्या जी। हाँ जी। ले, राहुल हॉस्टल आ गई। माँ के सामने शादी की बात सुन के बड़ा शर्मात रहा, कौनो लड़की से चक्कर वक्कर चला था का? ना ना बिल्कुल ना, झूठ मत बोला, जरूर केहू के साथ चक्कर चला था। अरे जब हम केहू से प्यार करबे ना करेनी तो झूठ कौन बात के? हमरा तो ओकर नाम ही पता बा केहू के हा। तब नमो बता दी। पहले आंख बंद करी। अब पता चला। अच्छा सुनी, ऐसे रहुआ साइकिल के करियर बड़ा अच्छे से निकालेनी। अब आप इतना भाव देता नहीं तो हम निकलवे ना करब।
या लव स्टोरी ना बा सस्पेंस सुगनी ओके बा लव स्टोरी ना बा सस्पेंस सुगनी लेबे के हो जिंदगी भके दे द लाइसेंस चुमा लेबे के हो जिंदगी भके दे द लाइसेंस ए हो ओके बाला भेस्टोरी ना बा सस्पेंस रजू ओके बाला भेस्टोरी ना बा सस्पेंस रजू देवे के हो देवे के हो जिंदगी भके ले ला लाइसेंस चुम्मा देवे के हो जिंदगी गजब के जादू हम होश में न बानी बिन डोर बंध गइल बा तोहरा से जिंदगानी कैलू गजब के जादू हम होश में न बानी बिन डोर बंध गइल बा तोहरा से जिंदगानी बहिया मैं फसल कर जाओ ना बापे सेंस रजो बहिया मैं फसल कर जाओ ना बापे सेंस रजो देवे के हो देवे के हो जिंदगी भाके ले ला लाइसेंस चुम्मा देवे के हो जिंदगी जी अपना तोहरा साजन सीना से सट के सुन ला बतिया कहे का धड़कन तोहरा समझ में आई बिन जी अपना तोहरा साजन मजनू मही बाल बनोलू लव इनू सेंस सुगनी मजनू मही बाल बनोलू लव इनू सेंस सुगनी लेबे के हो जिंदगी भके दे द लाइसेंस चुम्मा लेबे के हो जिंदगी भके दे द लाइसेंस चुम्मा देबे के हो जिंदगी भके ले ला लाइसेंस ए करे जा कहां जात बाड़ू करे जा निकाल के ई माल पर अधिकार सिर्फ धनंजय भैया के बा आवे त हमर धनंजय भैया के उहे डिसीजन लिहन कि इनकर जवानी के रस तैसे चूसे के बा बुझला है गुरु ए मिस्टर लफंगो हमार नाम संध्या हा और हमरा से बदतमीजी करबा लो त लूला लंगड़ा बन के घूमब समझना रहुआ कैसन अध्यापक बानी ई सड़क छाप मजनू से डर गई नी संध्या जी आप हमके गलत मत समझी हम ए लोग से डरी ला नाही बस ए लोग के मुंह ना लागल चाहिला बाय द वे ई धनंजय हा कौन ई कॉलेज के प्रिंसिपल
विमला देवी के एक आवारा बेटा छोड़ी रुआ चली यहाँ से। धनंजय शर्मा रहल बा तोरा ऊपर, हमरा लाख मना कैला के बाद भी तू वापस आ गई ना, काहे हमार बनल बनावल इज्जत मिट्टी में मिलावल चाहता रो। माई हम ऐसा कोनो काम नहीं कैले जैसे राउत इज्जत और मान मर्यादा मिट्टी में मिले। ये बात तू हमरा से हजार बार कह चुकल बाड़ो, जब हम तोहके जहानाबाद भेज देनी जाके फैक्ट्री संभाला तो काहे वापस आ गईला। भाई हम तोहरा के कैसे बताई कि हमार मन वहां ना लागेला। मन काहे लागी, मन तो यहाँ कॉलेज में लागी, जहाँ बस तोहरा आवारा गर्दी करे के बा। भाई तो कुछ भी समझा कुछ भी बोला, हम जहानाबाद ना जाए। जवन तोहरा मन में हो तवन करा, बाकी एक बात बड़ी ध्यान से सुन लो, अगर कॉलेज के कैंपस में पैर भी रख लो तो वो दिन हमार जिंदगी के आखिरी दिन हुई। ए भगवान कौन सा पाप कहली रहनी कि हमार कोख से ऐसा औलाद पैदा भइल। माई कत दिमाग खराब हो गई बा, इकलौता जवान बेटा राजा का जिंदगी जिया वाला कौन है, जा बेटा शहर में जा फैक्ट्री संभाला। अरे फैक्ट्री में जाके मैनेजर बनके दिन रात लेफ्ट राइट करते रही, ऐसा जिंदगी के फैक्ट्री में ना कोनो मजा ना कोनो माहौल ना ही कोनो लड़की। लड़की लड़की से याद आई ले भैया, कॉलेज में एक ठे जबरदस्त माल आइल भी है। क्या बात करत बड़े? हाँ भैया, लेकिन वो घूम रहल भी है मास्टर जी के साथ है। कौन? वीर। हाँ भैया वो वीर, लेकिन भैया माल इतना टाइट बा एकदम तोहरे लायक बा भैया। उमा काली तारीफे करवे कि दर्शन भी करेबे। मैडम प्रणाम। अरे वाह का बात बा, हम जितना तोहर बारे में सुन ले रही हैं उसे सौ गुना ज्यादा रुआ खूबसूरत बानी। ए मैडम घूर के काहे दिखाता नहीं, खूबसूरत चेहरा पर मुस्कान अच्छा लगेला। गुस्सा ना, हम धनंजय सिंह रुआ जॉन कॉलेज में रिसर्च करे अलबनी, वो कॉलेज का ट्रस्टी और प्रिंसिपल विमला देवी का बेटा। प्रणाम। श्रीमती विमला देवी जी बोली, धनंजय जी बददिमागी और बदतमीजी के अपन दिमाग पे इतना हावी मत होके दी कि बड़े बुजुर्गन के सम्मान कई भूल जाएं। हमरे नमस्कार के तिरस्कार देखी मैडम, अपमान कर रहल बानी। धनंजय बाबू अपमान ओ कर होला जेकर कौनो मान होला। ए मैडम चिल्लाई मत, रास्ता में एगो शरीफ लड़की के रोक के तू जौन अपन सराफत के परिचय दे रहल बाड़ा उ हम देख रहल बानी। मैडम जी रउआ के हमार हैसियत का अंदाजा नहीं खे, और तोहरा हमार गुस्सा के अंदाजा नहीं खे। ए मैडम तोरा के तो हम देख ले। अच्छा रही कि ना देखब, काहे के देखबा त आनहर हो जाइबा। अरे संध्या जी आप ही सब का कर रहल बानी, चले रहुआ। ए मास्टर समझा दे करा के, न तो बहुत
भारी पड़ी। जी, जी, चल, चले रुआ चली। साली दूटे का बना दिया हमरा के आनर करी हमरा के कहीं करना छोड़ी उस साली करता हम ओ हाल करब क्यों कहीं मुंह दिखाए के लायक ना नहीं। अरे जासन 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 पता कर सन तू साली कब और कहां मिली। ठीक बा भैया जासन चल रहे। जी भैया चल सन। की रानी मैं हसीनों का दीवाना। ए मैडम तू का बुझल कि चार लोगन के बीच में हमारा डरवा देबू और हम डरा जाए। मिस्टर धनंजय हमार मुंह मत लागा ई है मैं तुहार भलाई बा। अच्छा तब तो हम तुहरा के मुंह लगाए गले भी लगाए आहा और जहां जहां मन करी उहां उहां लगाए उहां उहां लगाए। जा दूर तो उहाल करब कि मरद का सामने खड़ा होखे में भी तो रूह कांप जाए। साली साली तू हमरा के मारे हमरा के धनंजय बाबू धनंजय बाबू अरे धनंजय बाबू मस्टरवा तू का कसमे खले बड़े काहे कि तू साला जा भाई बे हमर काम बिगड़ दे। आज तक तू बच गई लेकिन दोबारा ना बच भी। बानी तू इतना नीचे गिर गयला। अरे माई इले की झूठ बोल रहल बिया। अरे तो खुदे और पीछे पड़ल बिया वो तो सलाम कैसे कैसे अपन पीछा छोड़ लिया। अरे ऊपर वाला से डरा धनंजय बाबू अपन आत्मा से पूछा कि तू हमारी इज्जत लूटे की कोशिश कैला कि ना। हम पूछा तनी का सबूत बा तोहरा पास बोला। वीर प्रताप जी वीर जी बताई अगर रउआ ना आई थी का हो जाई बताई ना मास्टर जी बताई कि आप का देख ली हैं। देख ले लुमाई ई लईकी हमरा के फसा रहल बिया हमार त साला नाम बदनाम कर गइल बा। खैर जब हमार मैये के हमार ऊपर भरोसा नइखे त दूसरा के का दोष दे। Ah!
संध्या जी। अबे जा काली ब्याल बाड़ा, तू कौनो काबिल नहीं खा, तार शरीर में खून ना पानी बा, तुहार जमीर, तुहार आत्मा, तुहार मर्दानगी सब धनंजय के सामने। संध्या, नाम मतला अपन जुबान से हमार, तुहार सामने तुहार प्रेमिका से वो कमीना इज्जत लूटे के कोशिश कईलक, और तू मौक बन के तमाशा देखत रहा। संध्या, चिल्ला मत, सच बड़ा कड़वा होला, और सचता ई बा कि तोहरा जैसन मौगा के प्रेमिका बने से ता अच्छा रही कि हम धनंजय की रखेल बन जाए। मिस्टर वीर प्रताप, ई हाथ एगो लड़की पे उठा के का फायदा, अगर इतना ही दर्द हो रहल पा ता ई हाथ एक मर्द पर उठा कर दिखावा, और अगर ना उठा सकेला ता ई चूड़ी पहन ला। रे कलुआ, बढ़िया आइसक्रीम दे, साले चार दिन लगाई है आइसक्रीम निकालने में। लिखी दरोगा साहब, आज ही अपन गुनाह कबूल करे आइल बा। इमेज संध्या के साथे खाली अभद्र व्यवहार ही ना, इनकर इज्जत भी लूटे कोशिश कर ला सा। मास्टर, बहुत भारी पड़ी तुरा के ए दरोगा, तुरा के मालूम बा कि तू के कर हाथ में हथकड़ी डाल जात बड़े, साले तुहार वर्दी उतरवा दी, वर्दी। अरे सरकार वक्त के नजाकत के समझी, ये टाइम जनता पे खून सवार भइल बा। ए दरोगा, बहुत भारी पड़े। अरे एक बार मामला शांत होई के जी, बाद में शासन प्रशासन तो रहुए के बाद। बात नहीं छोड़ दे दरोगा, बहुत भारी पड़े। लव यू वीर, आज तू एगो सच्चा मोहब्बत के मान रखतेला, तहरा के हम कैसे बताएं कि तू हमार निगाह में आज कहां विराजमान बाड़ा। बस इतना समझला कि आज से संध्या के जीवन तोहरा ऊपर कुर्बान बा। आई लव यू। संध्या, जौना हाथ से हम आज तक केहू के थप्पड़ तक ना मरनी, आजू हाथ में इतना ताकत कहां से आ गई। वीर, तोहरा ताकत ता रहे, पर ओकर एहसास आज भइला। लेकिन जवन कुछ हम कहीं नहीं कही उचित बा। जुल्म सहल, जुल्म कईला से बड़ा अपराध होला, बाकी रेकर अंजाम, अंजाम की परवाह ना मर्द करेला वीर ना। तू हमार साथ तो ना छोड़बो ना, मृत्यु तक नहीं वीर। वाह माई वाह, आज तुहार करीजा के तो बहुत ठंडक पहुंचत हुई। अरे जौन धनंजय के सामने केहू आंख उठा के देखेगा हिम्मत ना करेला, ओ धनंजय, ओ धनंजय दो दिन जेल में बिता कैला।
कर्म कैले बाड़ो। धनंजय तोखे याद बा कि जीवन में तू ऐसन कौनो काम कैले हो का जवन तोहार मतारी अपना सर उठा के बोल सके कि धनंजय हमार बेटा बा। सर उठावे के काम तो तोहर लायक बेटा भीर कर रहल बा, तू तो करके बेटा समझेलू। जन्म तो तोहार हमरा कोख से भइल बा, बाकी बेटा का फर्ज उहे अदा कर रहल बा। हाँ हाँ कर द सारा ओकरे नाम, इशारा जमीन इशारा जायदाद कर द ओकरे नाम, जरूरत पड़ल तो उहो कर दे। वाह वाह विमला देवी वाह, उधोती छाप मास्टर आज माई और बेटा का बीच में दीवार बन गई बा। धनंजय लेकिन तू चिंता मत करा, तोहर मरे से पहले मस्टरवा का लाश तोहर पैर में पटकब, ओकरे बाद ही सारा जमीन और जायदाद मस्टरवा के नामे कर दिए। संध्या अब तोहरा बिना हम जीवन जिए के कल्पना भी ना कर सकेनी, और हम तोहरा साथे सात जन्म के रिश्ता निभावे के कसम खाई ले बानी। संध्या पिछले जन्म में हमनी के साथ अधूरा रह गिल रहे जवान, ये जन्म में पूरा हो रहा बा। धनंजय बाबू हम रहुआ आगे हाथ जोड़ रहल बानी, प्लीज छोड़ दी हमारा संध्या के नाता। नतका उखाड़ लेबे तला, तू हमरा के मर लेना आज तुर इंजे हाथ और गोर तोड़ और तुर आँखी के सामने इच्छमिया को बलात्कार कर और तोर इंजे समाधि बनाए समाधि। डर तू हमरा के मरले सलाह गुल्ले की खातिर हमरा ऊपर हाथ उठावले सलाह गुल्ले की खातिर तू हमरा ऊपर हाथ उठावले सलाह तरह के जिंदा
गिरफ्तार कर ल इंस्पेक्टर साहब एकरा के। ई है मुजरिम बा मिस्टर धनंजय, हमरा से यहाँ आपन किए की माफी मांगी आयल रहे, मगर ई सब ई वीर से बर्दाश्त ना हो सकल और हमार लाख मना कैले के बावजूद ई धनंजय के मार देलस। ई है मुजरिम बा, ई है खूनी बा। गिरफ्तार कर ली इंस्पेक्टर साहब एकरा के, गिरफ्तार कर ली। इंस्पेक्टर साहब, कहीं जौन रिसर्च खातिर हम यहाँ आयल रही, अबू रिसर्च हमार पूरा हो गयी त हम बम्बई जा रहल बानी। अच्छा, काहे कि अब हमार पूरा परिवार भी अब उहे शिफ्ट हो गयी बा। मैडम जी, अभी रउआ जा न सकीला, काहे कि जब तक कोर्ट की गवाही नहीं खे आई जात तब तक रउआ जा न सकीला। और हाँ, वीर रउआ से मिले खातिर बार बार जिद करा था, लेकिन हम मना कर देनी है। ना इंस्पेक्टर साहब, उकरा से तो हम खुदे मिलल चाहतानी। ए धर्मेंद्र, संध्या, तू हमारा साथी ऐसन घात काहे कैलू? संध्या, काहे कि तू इहे लायक बाड़ा, तोके ऐसन सजा दियल इहे हमार मकसद रहे जो न पूरा हो गई। मकसद? कैसन मकसद संध्या? आखिर हम तुहार कहा बिगड़ ले रानी? बोला संध्या, बोला ना। वीर, हम स्वाति के बड़ बहिन हैं। याद कराऊ दीन, जब स्वाति तोहरा से इहे थाने में धनंजय के खिलाफ बयान देवे के कहले रहे, लेकिन तू बयान ना देला और स्वाति धनंजय के सजा ना देबा पैलक और आत्महत्या कर लेलस। और जेकर जिम्मेदार सिर्फ तू बाड़ा, सिर्फ तू। प्यार से दे दे, प्यार से दे दे, हम पाते नहीं। छोड़ दूँ तो शालिक सीधा तरीके से ना मंगू। आज धनंजय बिना लेले छोड़ी हन ना। धनंजय बाबू, हनी छोड़ दी, ऐसे मत करी। धनंजय बाबू, शालिक मत करी ऐसे। छोड़िया समत मस्टर वाके। हे धनंजय बाबू, हमरा और हाथ जोड़ता नहीं, मत करिए ऐसे प्लीज। हे धनंजय बाबू, सचमुच मजा आ गई, बहुत चौचक समान रह लिया, मिजाज साला मस्त हो गई। चलो सुन रे, दरोगा साहब,
हमरा के धनंजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखावे के बा। काहे खातिर? धनंजय हमार रेप के ले बा। दरोगा साहब, हमरा के इंसाफ चाहिए। ओकरा के सजा दिलाई दरोगा साहब, ओकरा के सजा दिलाई। मगर रउआ पास सबूत का बा? ए दरोगा, एकरे आंसू पर मत आइह। ई ससुर से हमार बहुत पुरानी याराना बा। ये हमरा के बहुत चाहत रही। और तौर ई कई रात हमरा साथे बितौले भी है। लेकिन जब हम शादी से इनकार कर दे ली तो ससुरी हमरा के बदनाम करे पर उतारू हो गेल भी है। नहीं दरोगा साहब, हमार विश्वास करी, हम झूठ नहीं के बोला था, झूठा ही बोला था। तोहरा के सबूत चाहिए ना? सबूत बा हमरा लगे। वीर साहब रवा बताई ना कि सच कहा। इस सब मिलके हमरा के झूठ साबित कर रहा था। रवा बोली ना कि सच कहा, बोली ना, बताई ना ये लोगन के। रवा चुप कहे बानी, बोली ना बताई ना कि सच कहा। सब कुछ तो तारा के सामने भइल बना, तब बताई ना ये लोगन के कि सच कहा। बोली ना वीर जी, बोली ना। हम कुछ नहीं की देख ले। सब कुछ जानने के बाद भी तू कुछ काहे खेला। थैंक यू मास्टर जी। धनंजय बाबू, हमर माई बहन कहाँ बालो? मास्टर जी, रुआ चिंता ना करें। राहुल माई और बहन सही सलामत घरे पहुंचे हैं। आज हम ई दुनिया छोड़ के जा रहल बानी, कहे कि अब हमरा जिंदगी के कोनो भी सपना नहीं खे रह गए, सब टूट के बिखर गए बा। दीदी, हमके तो माफ कर दिया, हम तुहार सपना पूरा ना कर पाऊनी, लेकिन तो उसे हमारे को वादा बा, तू हमार सपना जरूर पूरा करिया, ना तो तुहारी बहन के भटकत आत्मा के कब्बो शांति ना मिली। दीदी, तू वीर के कब्बो माफ मत करिया, कब्बो ना। वो हमरा साथे बहुत बड़ा न्याय कह ले बा, ओके कब्बो माफ मत करिया। ये हमार अंतिम इच्छा बा, तुहार बहन। नहीं तू का कह, कम से कम एक दिन भी रुक गई रह तू। हमके माफ कर दिया, संध्या
बहुत प्यार कर लिया हम तुम्हारा से, हमारा साथ ऐसा ना इंसाफी मत करा हे संध्या, बचा ला हमरा के, हमके छोड़ के मत जा संध्या, हम राजी पाइब तोरा बिना हे संध्या। वीर, बड़े अफसोस के साथ कहे के पड़ता कि तुहार माई और तुहार बहिन आत्महत्या कर ले बानी। तोहरा के चीता में आग देवे के चले के पड़ी। कुछ खत्म हो गई माई, सब कुछ खत्म हो गई। हमके माफ कर दिए माई, कहे कि हम तोर सपना साकार ना कर पाऊनी, ना कर पाऊनी। तोहके फसावल गई बा, आज तोहके कमजोर ना बल्कि ताकतवर बने के बा। अगर तू फिर पुलिस के जाल में फंस गईला तो जीवन भर तोहरा पछताए के पड़ी। इसे अच्छा बा तू भाग जा यहां से, भाग जा वीर, यही में तोहर भलाई बा, भाग जा। वीर, गांव में इतना सब कुछ हो गई, तू हमरा बतैला ना, पूछत रहला ना हमरा से कि बादल तू ही गलत रास्ता काहे चुनला, तो जवाब मिल गया तहराज केहू शौक से ही गलत रास्ता ना चुनेला। अगर इस जालिम दुनिया में जिए के बाना तो हथियार उठावे के पड़ेला, हथियार। बादल, बीतल बात के याद मत दिलावा। हमके पता लगल बाकी संध्या अपने परिवार के साथ ही ऐसे रहेली। हम जेकरा संगे काम करेला ना ओकर नाम है शंकर पंडा, वो इस शहर के सबसे बड़ा डॉन है। कहार मोहब्बत जहां भी होई ना दोस्त,
ढूंढ के निकाल ले हल जाए। चिंता मत करा दोस्त, सब ठीक हो जाए। प्रणाम बाबा। प्रणाम करा बाबा के। बाबा प्रणाम। बाबा ई हमर बचपन के दोस्त हवन वीर, यहाँ अपन महबूबा के तलाश में आयल बारन। मोहब्बत के चक्कर में इनकर सब कुछ लुटा गेल बा बाबा। ए बचुआ, भगवान तारा इतना बढ़िया शरीर देले बड़े, लंबा चौड़ा गबरू जवान, काहे वो लौंडिया के चक्कर में अपन जीवन बर्बाद कर रहा है। चुप! संध्या के नाम सम्मान से ला पंडा, नहीं तो डंडा उठ जाए तो फिर घंटों बजावे लायक ना रहा। बादल, तोरे बाबा के मदद वीर के ना चाही, हम खोज लेब अपने संध्या के। बाबा ना 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 बात के बुझे के बा और चीज के चीने के बा। घायला शिक्षंकर पंडा का सबसे बड़ी कमजोरी हो कर्ज में डूबल और मोहब्बत में टूटल। ये दोनों आदमी हमरा धंधा में सबसे ज्यादा काम के आदमी साबित होले। जा जा तो कर मदद कर, ये कौनों कीमत पे ये आदमी हमके चाहिए। वीर, तहार इतना गुस्सा कैल अच्छा नहीं के। अभी जकड़ा ऊपर तू गुस्सा झाड़ के आवत रहनु, उ पंडा जी ये मुंबई का सबसे बड़का डॉन हमन। ए बात डॉन होई तोरा खातिर, हमरा खातिर ना। कौनो कीमत पर हमके हमार संध्या चाहिए। अरे वीर, घबराए के बात नहीं के, अगर संध्या जी यहाँ बाड़न तो उनका के ढूंढ लेवल जाई। अरे संध्या जी के हम खोज के देव तोड़ा के हम चला।
नहीं के का धक्का मार के जाता रे लौंडिया कौन तोर बहन भी है का? ए भाई छोड़ा 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 चला वापस चल रहा ए भाई नया नया आयल बड़े भाई नया नया गांव से आयल बड़े भाई भाई संध्या हमर जान है तोहार जान इतने प्यारी बिया था ई रंडी साली ते हमरा संध्या के बारे में गलत बोल रहे अरे अरे ते हमरा संध्या के बारे में गलत बोल रहे छोड़ ना तो के जान से मार दे भाई ये अरे वीर की का कहला तारा नहीं के मालूम की क्या हा? अरे गांव ना हा ये मुंबई शहर है मुंबई शहर देखा यहाँ चप्पा चप्पा में कैमरा लगल बा और चला भागा है जैसे नहीं 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 हमारा भाई के मौत एगो साजिश के तहत भइल बा हे पूरे शहर में आग लगा दे जलाई के राख के दे पूरा शहर जब तक उस सारे के खून हम ना पिए हमारा करेजा के ठंडक ना मिली बुझले भैया ई रहल राउत जी का हम जानबूझ के रुआ भाई की हत्या ना करनी है हमरा उनका से कोनो दुश्मनी ना रहे तू हमारा करेजा के टुकड़ा के हत्या कर देले अरे जौना भाई हम अपन जान से ज्यादा प्यार करत रहली ओकरा के तू जान से मार देले ना हम तोहरा के माफ ना करब भाई जी हम सच कहता नहीं भाई जी रहुआ हमारा बात पे विश्वास करी अरे हम तो वहां संध्या से मिले गई रही तू तू एक और रंडी खातिर हमारा भाई के जान से मार दे ले हमरा संध्या के बारे में गंदा बोल कैसे दे रही साला तो की जान से मार दे पता हो कि हमारे ताकत से कहीं ज्यादा ताकत पर भीग गए हो तो कहे पंगा ले ले तोने उसे ओकरा ताकत के आगे हमार कोनो औकात नहीं के मुंबई के शेर हो अत साले शेर के पिछवाड़ा में उली करे लगले देख नतीजा अब उठा के ले गए तोरे यार के अब बोटी बोटी कर है सारे उनके और ओकरा साथे साथे उ सारा रफीक हमरो चल के भी दुश्मन बन जाई ना बाबा ना समय के हिसाब से शेर के भी सियार बने के पड़ेला जौना शेर के दहाड़ से आज तक रुआ भयभीत रहनी है तो शेर के दहाड़ के हम शांत करके आ रहल बानी जय हो जय हो जय हो बचुआ जय हो ए बचुआ अरे जौने चीज के हमके बरसों से तलाश रहल मिल गई जय हो बजरंग बली हमार सुन लेलन हे बचुआ तू हमार बचुआ हवा हो हमार जिगर के टुकड़ा हवा इस शहर के कोनो भी कोना में संध्या हुई है हम अपने बचुआ के मोहब्बत के ढोट निकाला हे बेटा आज के बाद ही बंगला गाड़ी धान दौलत सब तुहार हो तुहरा जीत के खुशी में जश्न हुई और एक खुशी के मौका पर हम तुहार नामकरण कर रहा बानी बचवा तुहार नाम आज से वीर ना बलवान बा बलवान
एसपी साहब, मोहब्बत के दहकत भट्टी में उ अपना आप के इतना तपौलस कि तपा तपा के लोहा बन गेलस। उ कब वीर से बलवान बन गेले उनका के खुद पता ना चलल। ओकरे इंतकाम और संध्या से मिले के चाहत के जितना फायदा हो सके उ पंडा उठौलस। देखते देखते बलवान इस शहर के सबसे बड़ा दहशत बन गेलन, और ये सब कुछ भइल इस सुंदरता की देवी की वजह से। मिस संध्या, तुम्हारे को छोटहन सा गलती आज एगो इतना बड़ा मुजरिम के पैदा कर देलस। और हमार बहिन के साथ जौन कुछ भी भइल ओकर जिम्मेदार सिर्फ बलवान बा। जौन बीत गईल उ बात के भुला जा। संध्या, अब भलाई यही में बा कि तू बलवान के पकड़े में पुलिस के मदद करा। वो सब तो ठीक बा एसपी साहब, बाकी 10 तारीख के संध्या के शादी तय हो गई बा। ये जगह के छोड़ के हमनी ऐसन जगह जा रहल बानी जौन जगह के बलवान के पता ना चले के चाहिए। रेवा बिल्कुल फिकर मत करी, पुलिस प्रशासन राव सुरक्षा खातिर सक्षम बा। अब रेवा लोग जाई। चला बेटी। बादल, अगर तू बलवान के पता ना बतावले तो हम तो के इतना मारब कि तू मौत भी मंगवे तो के मौत तक ना मिली। बाबा, कौनो भी कीमत पे बादल के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवावा, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन के राख के ढेर बना के रख देब। ए बचुआ, क्रोध के अपन हथियार बनावल सीखा। कहे से कि क्रोध शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होला। बादल जेल से छोटी ये मरवादा बा, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या तारा सामने खड़ी बा ओकरे बारे में सोचा। शासन प्रशासन ऊपर से साला वो रफिंग सबके टारगेट मिल गल बड़ा तू। ये भजुआ, हमारे को सलाह बा कुछ दिन लांडर। बलवान भैया, पता चला है कि संध्या भाभी की शादी तय हो चुकल बा। अगला महीना के 10 तारीख की शादी बा। गाड़ी निकाल। ए बेटा, ए बचवा, कहाँ जा तरा? अरे चप्पो चप्पो में पुलिस लागल बा। ए, अरे मत भरम बैल बड़ा तोहर लोग। ए बजरंग बली, अरे एकरा ताकत के साथे साथे तन की बुद्धियो दे देता। संध्या, ये सब हम का सुन रहल बानी? तू दूसरा से शादी करे के बारे में सोच कैसे ले लू? ना संध्या ना, तो सिर्फ हमार हो, हमार जान हो। हमार शादी में अड़ंगा डाले वाला तू के हवा, और तुहार हिम्मत कैसे भई हमरा के अपन पत्नी कहेगी? और हमार जहां मन हुई हम उहां शादी करब। देखा संध्या, हमार फर्ज हवे तो के बताओ। हम तो के अपन पत्नी मान चुकल बानी तब मान चुकल बानी, और हाँ सगुन भी अपना साथे ले आइल बनी। धूमधाम से अपना शादी के तैयारी करा। तोहरा धमकी से हमरा कुछ ना हुई, और हमार जहां मन करी हम वही जा शादी करब। शादी तो बहुत दूर के बात हो गई, तू दूसरा के बारे में सोच भी ना सकेलू।
बिना हमरा मर्जी के हम आत्महत्या कर लेब। बाकी तोहरा जैसन पापी के जीवन संगनी कब्बो ना बनब। बिना हमरा इजाजत के यमराज भी तुहार प्राण ना ले सकेले। भला यही में बाकी हमर सगुन स्वीकार ला, नहीं तो असंभव के संभव बनावे वाला के ही नाम है बलवान। संध्या, बहुत मोहब्बत करी ला हम तो से, नहीं जी पाइप द्वारा बिना तू हमसे इतना बेरोखी काहे कर राल बाड़ू। तू हमार जिंदगी के पीछे काहे पड़ल बाड़ा। जिंदगी के डोर से तू ही न बनलू। वो डोर हम कब के तोड़ देनी। भूल जा हमरा के, नफरत करी ना हम तोरा से नफरत। कयामत तक तो के ना भूल सकेला। शादी होके जाता हमार, सात जन्म तक तो सिर्फ और सिर्फ हमार बाड़ू। बहुत जल्दी हमार मांग भराई, तोहरा मांग में से नूर हम भरब। हम भरब, हम भरब, हम भरब, हम भरब। Maria,
असली रूप दिखा देला। कौन से खेले वाला इंसान कहा जानी कि प्यार कहा ओला। हम पहले भी तो हार ना रही, आज भी तो हार नहीं की और मरला के बाद भी तो हार ना हो सकी ना। बलवान ए बचुआ, इका हालत बना देले बड़ा तू अपन। हाँ बाबा, हम संध्या के बगैर जिंदगी बिता नहीं की सकत। हमके संध्या से शादी करे के बा। तुहारी हालत देख के हमके बड़ा तकलीफ हो रहा बाबा। जौना बलवान के आतंक से पूरा शहर कांप रहल बा। वो हमार बच्चा एगो लड़की के प्यार में अपनी हालत बना ले ले बा। बाबा, दुनिया के नजर में हमार संध्या लड़की हो सकेले, बाकी हमारा नजर में हमार संध्या देवी है। देवी विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे मोहब्बत एगो ऐसन टाइफाइड बुखार होला कि जकरा दिमाग पे चढ़ जाला ना तो ओकरा रंडी भी देवी नजर आवेली, बुझले। और सुन, अगर ते बाबा के आदमी ना होते तई गोली घुटना में ना सीना में मरले होती। लागल गोली सारे, जब पिछवाड़े में ना कूदा तब के कहला सलंका में कूदा। सारा 4440 बोल्ट के खुलल तार पे हाथ छुआवत हमें पागल सारे। चल सारे डॉक्टर के चल चल। बलवान भैया, रउआ के साथे बहुत बड़ धोखा हो रहा बा। संध्या भाभी के शादी 10 तारीख के ना अजुए बा, और कहाँ हो रहा बा क्यों कुछ पता नहीं की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। हाँ, अब कन्या के मांग में सिनूर भरल जाओ। छोड़ दे
जाए, पर तोहरा जैसन जानवर के साथ शादी ना करब। शादी तो तोहरा करही के पड़ी। बवाली, अब बोला शादी करबू कि ना? जल्दी जवाब दे, नहीं तो गोली एकरा खोपड़ी के आर पार कर देब। ना, ना, हमार भाई के छोड़ दा, छोड़ दा। हम तोरा से शादी करे के तैयार बानी, हमार भाई के छोड़ दा। कितना बड़ विडंबना बा, जवन संध्या बलवान जैसन जानवर के साथे जीवन संगनी बने के कल्पना भी ना केले राली। आज आज अपना भाई के जान बचावेला शादी का सुहाग रात भी मनावे खातिर तैयार बाड़ी। संध्या जी, ऐसे ही एक दिन हम हो मजबूर रही, हमरा माई और बहन के अपहरण के लिए रहे धनंजय। एक दिन के समय तुहार बहन अगर हमके दे देले रहती, तयाजी वीर बलवान ना बनित। हमार भाई कहाँ बा? तुहार भाई तुहरा घर में सुरक्षित बा। अब तो तुहरा समझ में आ गई होगी, अपना जान से ज्यादा अपना परिवार के जान की चिंता होला। वीर बलवान जरूर बन गईल, पर आत्मा आज भी पवित्र बा। तू घबरा मत, शादी तो हम अपना मर्जी से कैले बानी, लेकिन सुहाग रात तोहरा मर्जी से मनी। केकरा खातिर झूला गोरी,
रखल बाड़ू खुला रसगुल्ला जैसन बा के करा खाती झूला गोरी रखल बाड़ू खुला रसगुल्ला जैसन बा हो रसगुल्ला जैसन बा कि तोहर मस्त जोबन गुलगुला रसगुल्ला जैसन बा कि तोहर मस्त जोबन गुलगुला रसगुल्ला जैसन बा बारे में तू सोच कैसे ले लू ये दुनिया से जाए के बारे में तू सोच कैसे ले लू सोच कैसे ले लू हाँ
इतना नफरत कर लूं हमरा से, इतना नफरत कर लूं हमरा से, इतना नफरत कर लूं हमरा से, इतना। हम तो सोच ले रहे कि अपना प्यार के ताकत से तोहरा पत्थर दिल के पिघला देव, लेकिन हमार हमार हमारी हो भरा मजदूर हो गई। संध्या, तोहरा नजर में तोहार जिनकी हमारा चलते बर्बाद भइल बा ना, तो अब हम अपने आप के बर्बाद करके तो क्या बात करब। कहे कि संध्या, हे संध्या, हम तो के अपने दिल से आजाद कर देख सकेला, लेकिन तो हर लाश ना देख सकेला, ना देख सकेला। चला संध्या, तोहरा घर के सामने पुलिस लागल बा, तू जा और जाके अपने शादी की तैयारी करा और जाके पुलिस के बता दिया कि आज के बाद बलवान से कोनो खतरा नहीं के। एक बार तुहार घर बस जाए ओकरा बाद हम अपने आप के कानून के हवाले करते। जा संध्या, जा। बेटी तू आ गई लो, हाँ तू तू बिल्कुल चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। हाँ हमने अजमेर शहर छोड़ के चल जाए जी, अजमेर शहर छोड़ के चल जाए। हाँ ना माई, अब एकर कौनो जरूरत नहीं के, बलवान से अब हमके कौनो खतरा नहीं के। आप इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं जी? इंस्पेक्टर साहब, बलवान के खिलाफ अपन केस वापस लेता नहीं, अब बलवान हमारी जिंदगी में कभी दखल न दी। मिस संध्या, आप एक बार फिर सोच लीजिए। अपन पुलिस यहाँ से हटा ली, असली गुनहगार तो तू बाड़ू हो संध्या, वीर से बलवान तू बनौलू। तू सोच, अगर वो तोहरा मंडप से उठा के तोहार मांग भर सकेला तो ऊ तोहरा साथे सुहागरात भी मना सकत रहे, लेकिन वो ऐसा ना कैलस। वो इंसान ना संध्या, देवता बा, तोहरा आजाद भी कर देलस और तोहार घर भी बसावल चाहता। तू पत्थर बाड़ू हो संध्या, पत्थर। बस बस नम्रता, बस हमरा कुछ समझ में नहीं के आवत, क्या हम का करी। बलवान कर था, ये हम का सुन रहा बनी, तू अपना आप के कानून के हवारे करे जा रहा बड़ा। हाँ बाबा, काल संध्या के शादी हो जाओ, उकरा बाद हम अपने आप के कानून के हवाले करते। तोरा दिमाग में भूसा भरल बा,
काहे बड़ा बड़ा भाई समान शंकर पंडा के हार्ट अटैक करावल चाहता रहा। बड़ा मुश्किल से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले बानी। तुम्हारा अपन रुतबा पता हो? आज तुम्हारा इस शहर में वो पावर बा कि साला शासन प्रशासन नेता अभिनेता उद्योगपति साला बिना कहे आके हत्या पहुंचा के जालन। ये सब बहुत हो गया बाबा। हम अपने ही नजर में गिर गए बानी। ये दुनिया दुनिया के तो मुट्ठी में कर लेनी बाकीर। एक मोहब्बत हासिल ना कर पानी। खैर रवा चिंता मत करी, कानून के सामने हम घुटना टेकब। अपन ईमान ना। ए बचुआ, जौना संध्या खातिर तू इतनी बड़ी कुर्बानी देवे जा रहल बड़ा, उस संध्या के माथे तोरे परिवार के आत्महत्या के कलंक के टीका लागल बा। कलंक के टीका तो हमरो माथ पर लागल बा, ओकरा बहिन के आत्महत्या के। अरे तो दिमाग खराब हो गए का? ना बाबा ना, दिमाग हमार सही रास्ता पर आ गई बा। अरे बाप रे बाप, न जाने हमारा बलवान पे कौन जादू कर दे लिबिया। ओ रंडी साली। आए! आए! जवन हाथ तोहार पैर छू ले बा, वो हाथ के गर्दन मरोड़े ला मजबूर मत करा। और सुना, आज से तोहार हमार रास्ता अलग। बाबा आस्ती इनके सांप है इस साला। जौन सांप के तू दूध पियोले रहला, उहे सांप पास तोहरा के फन उठा के डसे के चाहता। ए बचुआ, पंडा नाम है अमर, शंकर पंडा। और पंडा पंडा ऐसन बलवान के अपने अंडा के नीचे रखेला। बलवान ए बेटा, तू पंडा का खाली दोस्ती देख ले बड़ा, अब दुश्मनी देखा। पुलिस के सामने सरेंडर करे से पहले तोर कान कटा। कारे दोगला की औलाद, अब यहाँ कौन खेल खेले आयल बाड़े हमरे घरे। सौगंध बजरंग बली के रफीक भाई, शंकर पंडा आज ले कमो झूठ ना बोले बा। आज हम तारा से दोस्ती का हाथ बढ़ावे आयल बानी। अरे साला, जब हम तोहरा घरे दोस्ती का हाथ बढ़ावे गेल रहली तब तो तू बड़ा इज्जत रहला। आज ऐसा कौन आफत आ गई बा जौन हमारा से दोस्ती की जरूरत पड़ गई। आफत ना रफीक भाई, तूफान आ गई बा। अगर हमनी दोनों का दोस्ती ना भेल तो बलवान के फंदा में फंस के हमनी दोनों खत्म हो जाए। राउर भाई का हत्यारा उस साला बलवान रहे, और बलवान हमारा आदमी रहे, लेकिन वो कमीना हमार दुश्मन बन चुकल बा। ए रफीक भाई, बहुत सही समय बा उस साला कुत्ता के खात्मा के, न तो पुलिस के सरेंडर करे जा रहा बा। हमारा भाई के मार के खुद के पुलिस के हवाले करे जात बा, हमें ना होके दे। अरे ओकर मौत हमारा हाथे होई, हमारा बस इतना बता दे कि मिली कहां सरवा। उस साला कमीना संध्या के परिवार के लेके संध्या के शादी करावे शंकरपुर के हर मंदिर में जा रहा बा। हे पंडा, हे पंडा, हमें तो हार एहसान कभी ना भुलाई। अपना भाई खत्यारा के मार्ग हमारा करेजा के कितना ठंडक पहुंची,
इस बात के तोहरा का अंदाजा नहीं खे पंडा, नहीं खे। हे चला चला लो चला। बलवान ये बचवा अनर्थ हो गई बेटा। उस साला रफीक, रफीक तो हर दुश्मनी संध्या से निकाल रहा बा। उस संध्या के किडनैप कर लेलस और साला लेके गईल बा काली वाली पहाड़ी घाटी में। रफीक संध्या के हाथ लगा के ते ठीक ना कहले। हमार दुश्मनी संध्या से निकाल के ते अपना मौत के न्योता दे दिया ले। हे बलवान, जिंदा रह के ते हमारे कारोबार के आसमान छुओ ले। अब आसमान में जाके ते हमारा तरक्की का सबसे बड़ी वजह बन बे। रफीक मिया, तोहर शिकार 200 किलोमीटर की रफ्तार से तारा लगे आ रहा। सागर पर्वत से भी रुक ले नहीं रुकल वहां। मोहब्बत अल्लाह अल्लाह इश्क मोहब्बत अल्लाह इश्क मोहब्बत अल्लाह अल्लाह इश्क मोहब्बत अल्लाह। दरिया सागर पर्वत से भी रुक ले नहीं रुकल वहां। दरिया सागर पर्वत से भी रुक ले नहीं रुकल वहां। दरिया सागर पर्वत से भी रुक ले नहीं रुकल वहां। दुनिया जाने लाए दुनिया जाने ला प्यार ना झूठल बा। We'll be right back.
दोस्ती का फर्ज तो हम अदा कर देनी। तू तो ठीक बा पंडा, लेकिन बलवान यहां से बच के ना जाए के चाहे। साला दोगला करी मां का। संध्या तू जा यहां से, कहे कि हमार जिंदगी कबो समाप्त हो सकेला। तू जा और जाके अपन घर बसाओ, बढ़िया से खुशहाल हो जा, ठीक बा? हमार दुआ तुहरा साथे बा। जा संध्या, जा संध्या, जा जल्दी। संध्या जा यहां से। प्यार से दुश्मनी कब हो, कम ना दुनिया बा कहिले हो, कबो जालिम ना जीतल बा, बाहर दम हार कहिले हो, बाहर दम हार कहिले हो। प्यार से दुश्मनी कब हो, कम ना दुनिया कबो जालिम ना जीतल बाबा हर दम हार कहिले हो।
प्यार में शक्ति बाट कितना ही एहसास हो जाई, जे आई सामने उभर के जिंदा लाश हो जाई। अरे आदमी काई पर्वत के भी पार किसी ना ढूकल बहा, आदमी काई पर्वत के भी पार किसी ना ढूकल बहा। ये दुनिया जाने ला जाने ला जाने ला, ये दुनिया जाने प्यार ना।